आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज आ चुके हैं। सेवेंथ फेज के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आप देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, जिसकी नियुक्ति के उपरांत विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। पूरी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, कहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, कहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें पीआरटी की 80,000 पदों पर ज्वाइनिंग होगी, टीजीटी और पीजीटी के बाकी जो शेष पद हैं उनकी यहां पर ज्वाइनिंग होने वाली है। रिजल्ट आपका अक्टूबर के मिड में आ जाएगा। अतुल प्रसाद जी का स्टेटमेंट आ चुका है, अभी एक वीडियो में और अपलोड करूंगा कुछ देर के बाद, आप उस वीडियो में जाकर के उनका स्टेटमेंट अच्छे तरीके से यहां पर ऑफिशियल देख सकते हैं। तो फाइनली आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। सबसे पहले मैं जानकारी यूट्यूब पर दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप 6 to 8 की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो इस बार जो पेपर का लेवल रहेगा वो बहुत ही हल्का पूछा जाएगा। ऑफिशियल आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में हम जानकारी बता देंगे। और पेपर का जो सिलेबस होगा वो भी नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। सिलेबस वही रहेगा जो हमने यहाँ पर बताया है। तो आप एसएसटी टीचर की तैयारी कर सकते हैं, साइंस एंड मैथ्स टीचर की तैयारी कर सकते हैं। लैंग्वेज में हिंदी के जो नोट्स हैं वो उपलब्ध हो चुके हैं, और ये सभी नोट्स आप खरीद सकते हैं हमारे संस्थान के द्वारा। अभी ऑफर चल रहा है 199 में। आगे आप नोट्स के बारे में समझ लीजिए, फिर जो ये लेटर जारी किया गया है उसके बारे में यहाँ पर समझाने वाले हैं, क्या कुछ इसमें कहा गया है। और आप सभी के लिए वास्तव में ये गुड न्यूज है, जो कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर नवंबर में हर हाल में करवा दी जाएगी, और फिर आपके 45 दिन की जो ट्रेनिंग होगी उसे यहां पर दिया जाएगा। कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ईबुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं, और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75 प्लस अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत पीडीएफ आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर 94-55-28-27-93 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस एससीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा, क्योंकि एससीईआरटी आपके सिलेबस में दिया गया है। उम्मीद है कि आपने नोट्स के बारे में समझ लिया होगा, और आप जरूर परचेज करेंगे अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं, क्योंकि पीआरटी में जिन लोगों ने नोट्स परचेज किया था उनके लगभग 70 के अराउंड में मार्क्स आ रहे हैं, और वो अच्छी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो डाइट में होगी, सभी की ट्रेनिंग डाइट में होगी। 45 दिनों की आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन से आपकी जो सैलरी होगी वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। जो प्राइमरी के टीचर हैं उनकी सैलरी 40,600 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम पीआरटी की यहाँ पर बात करें तो पीआरटी का रिजल्ट 15 से 18 अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड है, आ ही जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपकी जो 20 या 22 अक्टूबर से आपकी यहाँ पर डीबी शुरू हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर आपकी जो डीबी होगी करवा ली जाएगी, और आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो 15 नवंबर या उससे पहले यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, और ठीक नवंबर के लास्ट में ही आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा दी जाएगी। आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर 45 दिन की जो होगी वो डाइट पर यहाँ पर शुरू होगी। उसी के संबंध में यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो है टेंडर के लिए नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा गया, राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, 74 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, यहाँ पर सारी जानकारी लिखी गई। फिर देखिए इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा, मतलब जो पहले से ही यहाँ पर सेवाकाल में है, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी, जो कि वो सरकारी शिक्षक यहाँ पर राज्यकर्मी के दर्जा उनको दिया जा रहा है। प्लस
आप लोग यहाँ पर जो सेलेक्ट होने वाले हैं, इसमें लिखा गया अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है, जिन्हें नियुक्ति के उपरांत इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। शिक्षकों के इन प्रशिक्षणों के बेहतर संचालन हेतु विभाग को साधन सेवी यानी रिसोर्स पर्सन के रूप में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए साधन सेवी को मानदेय के रूप में 1,000 रुपये प्रति कक्षा 90 मिनट यात्रा भत्ता सहित यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। तो जो प्रोफेसर वगैरह होंगे वो आएंगे, वो ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे। उनको कहा गया है कि 90 मिनट की उनका लेक्चर होगा, जिसको जिनमें जो है 1,000 रुपये उस प्रोफेसर को यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जानकारी बताई गई कि आवासन और भोजन की सुविधा यहाँ पर उसको दी जाएगी। और फिर यहाँ पर जानकारी बताई गई कि 5 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है 11:59 तक जिनको भी जो भी इच्छुक हैं प्रोफेसर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो 1,70,000 पदों पर अभ्यर्थी नियुक्त होंगे, उसके लिए आप इस मेल आईडी पर अपनी डिटेल्स यहाँ पर भेज सकते हैं। संजय कुमार जो संयुक्त सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार के, उनकी तरफ से जानकारी देखिए यहाँ पर आई हुई है। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि बिहार सरकार लगातार जो है प्रयासरत है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती यहाँ पर कम्प्लीट की जाए, और इसके बाद एयर्थ फेज की शिक्षक भर्ती को भी यहाँ पर 15 अक्टूबर के बाद से यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो आप जूनियर की तैयारी करिए, अगर आप एलिजिबल हैं अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर मेरे हिसाब से दिया जाना चाहिए सीटेट वालों को। बाकी जो भी चीज़ें निकल के आएंगी आपको बताई जाएंगी। आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए